हाँ गाइज, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड है। एक्चुअली मैं कचरा फेंकने गया था, शाम का मौसम है, अभी भी सूरज है बट बिल्डिंग के पीछे छुप गया। तो मैं कचरा फेंकने गया था और एक बंदा वो भी गया था कचरा फेंकने, तो वो कचरा के साथ ये भी फेंक रहा था। तो मैं उससे बातचीत करते करते पूछा, भाई क्यों फेंक रहे हो? तो बोला कि काम नहीं कर रहा। मुझे तो देख के ही पता लग गया कि शायद इसका वायरिंग का कुछ डिफेक्ट हुआ होगा। ये सब चीज़ में मैक्सिमम केसेस में वायरिंग का ही डिफेक्ट होता है, पिन सब ठीक ठाक है। अभी तो मैं इसे ठीक करके दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं 90% श्योर हूँ कि इसका खाली वायरिंग का कोई डिफेक्ट हुआ होगा, बाकी का चीज़ सही है। तो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे कि डिफेक्ट क्या उससे है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस बंदे से मुझे ये मिला उससे मैं एक रिक्वेस्ट किया, और सेम रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी यूजलेस इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो तो आप ऐसे कचरे के साथ मत फेंकें, क्योंकि वो नेचर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो मैं उस बंदे को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे के आया और मैं बोला कि अगर आपके पास ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो यूजलेस तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपके घर से लेके आऊँगा। वो बोला है उसके पास, बट आपको तो पता है इंसान हर वक्त फ्री नहीं रहता है। तो मैं बोला जब भी फ्री रहोगे तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके घर से लेके आ जाऊँगा। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई यूजलेस पार्ट्स हो तो आप मत फेंके, आप नज़दीकी कोई स्क्रैप वालों या फिर जो रिसाइकल करता है उसके ब्रांच, आपके नज़दीकी ब्रांच से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके घर से उठा के ले जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंपनी है जैसे फिलिप्स, अगर फिलिप्स के आप कस्टमर केयर पे बात करते हैं ना तो वो लास्ट में आपको पूछ लेता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है क्या यूजलेस, तो अगर आपके पास है तो आपके घर से लेके जाएगा वो, और वो डिस्पोज करेगा या फिर रिसाइकिल करेगा जो भी हो। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट कि आप इस चीज़ को इग्नोर मत करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन पॉल्यूशन हटाने में बहुत बड़ी मदद हो सकती है। आखिर छोटी छोटी बूंद से ही तो बारिश बनती है ना। अगर आपको डिस्पोज वालों की कांटेक्ट नहीं मिल रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हेल्प करूंगा आपको डिस्पोज वालों की कांटेक्ट सर्च करने में, या फिर अगर कोई महंगा चीज़ होगा तो मैं कुरियर के माध्यम से ला लूँगा वो चीज़ आपसे, क्योंकि महंगा चीज़ में बहुत सारे यूजफुल पार्ट्स रहता है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ, और ये सब चीज़ के ऊपर मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो चलिए वीडियो को अभी आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं इसे कनेक्ट करके देखता हूँ और इतना, अरे यार, अच्छा दोनों वायर में ही आ रहा है करंट, तो वो एक वायर शायद ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, तो दोनों वायर में ही करंट आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे तो इसका करंट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है क्या? नहीं, इसमें तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक वायर, मेन वायर जो है ये यहाँ से खुल के एक ही वायर में जुड़ गया है, एक वायर खुल के दूसरे वायर के साथ जुड़ गया है, या फिर यहाँ पे खुल के दूसरे वायर के साथ जुड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट नहीं है बट दोनों वायर में करंट आ रहा है। तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ, खोल के आपको दिखा। तो चलिए मैं इसको खोल लिया, ढक्कन उड़ गया, बहुत ही सिंपल सर्किट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है मेन वायर, यहाँ से आया, तो हमारा प्रॉब्लम तो फाइंड आउट हो गया कि एक वायर खोल के दूसरे वायर के साथ जुड़ गया है, और ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये तो पक्का है, या फिर पहले शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। एक्चुअली मैं ये वाला पढ़ यहाँ पे भी हो सकता है प्रॉब्लम, यहाँ पे होगा तो बहुत ही आसान होगा फिक्स करना, मुझे लगा कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सक्यूज होता है, ये चीज़ एक्सक्यूज होता है, तो इसलिए मैं इसे खोला पहले। एक्चुअली मुझे वीडियो करते करते दिख नहीं रहा, तो मैं पहले ठीक से देख लेता हूँ और अगर मिला तो आपको दिखा देता हूँ। मुझे तो कोई यहाँ पे फॉल्ट नहीं दिख रहा, पूरा सर्किट सही है। ठीक है, तो मैं इसे छेड़खानी नहीं करूँगा इसके साथ, मैं आपको बस दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सोल्डरिंग किया गया है, देखिए। और ये जो है एलईडी का, यहाँ से क्या है एलईडी का वायर यहाँ पर, और दूसरे सर्किट से एलईडी यहाँ पे आया, तो ये इंस्टॉलेशन सही है, ये भी सही है। यहाँ पे ये जो चीज़ें थोड़ा सा टूट गया है, अर्थिंग का जो पार्ट है, एक्चुअली अर्थिंग का कोई यहाँ पे यूज नहीं होता है, फिर मैं इसे ठीक कर देता हूँ ताकि हमारा चार्जर वगैरह ठीक से बैठ पाए। मैं तो इसको ठीक से बैठा दिया हूँ, बट यहाँ पे ये जो टूटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा फेविक्विक लगाना चाहिए था, बट मेरे पास अभी कोई फेविक्विक नहीं है, तो मैं बाद में लगाऊंगा, अभी ये जैसे था वैसे ही लगा देते हैं, बाद में लगाते हैं। इसको पहले खोल लेता हूँ,
चेक करता हूँ दिक्कत क्या है आपको, तो मैं एक ही हाथ से कर पा रहा हूँ, तो चलिए वीडियो पॉज करने की कोई ज़रूरी नहीं है। ये खुल गया है और इसे भी खोल लेते हैं। अरे यार देखिए, मैं बोला ना आपको ये कोयर खोल के कहीं और पे लग गया होगा, तो देखिए यही कोयर यहाँ से खोल के यहाँ पे लग गया। कितना सा सिंपल है प्रॉब्लम, शायद यही प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ इसे लगा के यहाँ पे, अगर ठीक हो गया मैं तो 90% श्योर हूँ कि ये ठीक हो जाएगा, फिर भी देखता हूँ। तो आप देखिए मैं लगा दिया हूँ, और कैसे लगाया हूँ आप देखिए, कोई वायर निकल के नहीं रहना चाहिए क्योंकि फिर से दिक्कत हो सकता है। और मैं प्लास्टिक के साथ उसको अंदर घुसा के फिर मैं लगा दिया हूँ। और ये भी, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसको मैं खोल कर फिर से ठीक से लगाता हूँ। तो देखिए एकदम मैं ठीक से लगा दिया हूँ, एकदम से भी कोई वायर निकल के नहीं है। देखिए थोड़ा सा भी वायर नहीं निकला हुआ है, तो मैं लगा दिया हूँ अभी इस पर। यहाँ पर मैं इसे बैठा देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, बैठ गया अच्छी तरह से, ये भी बैठ जाएगा, बहुत ही सिंपल है चीज़। उसके बाद ये नट यहाँ पे लग रख के बोल्ट को दूसरी तरफ से करूँगा, टाइट कर दूँगा। तो मैं इसे टाइट कर दिया हूँ, सब कुछ तो सही लग रहा है। मैं इसे फिर से प्लग इन करके देखता हूँ, स्विच ऑफ। दोनों में से एक स्विच होगा, मैं सियोर नहीं हूँ। चलिए दोनों स्विच को ऑन करते हैं। अभी यहाँ पे, अरे यार देखिए एलईडी भी सही है, आपको शायद दिख रहा होगा एलईडी ब्लिंक कर, नहीं एलईडी ब्लिंक नहीं कर रहा है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है एलईडी से ठीक है, कैमरा में एलईडी ब्लिंक कर रहा है। तो एलईडी तो जल रहा है, मैं देख कर लेता हूँ कि इसका सर्किट ठीक। अरे यहाँ पे तो करंट आ रहा है, यहाँ पर नहीं, अभी एक ही वायर में करंट आ रहा है। देख अभी एक ही वायर में करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था यार, ठीक हो गया। अभी मैं इससे मेरा दोस्त का फोन चार्ज करके देखता हूँ, चार्जर है मेरे पास यहीं पर, लगा रहा हूँ अभी यार। कोई कैमरा होल्ड करने के लिए चाहिए मुझे, तो मैं इसे लगा दिया। वाह चार्ज तो हो रहा है, देखते हैं दूसरा पिन ठीक है कि नहीं। नहीं यहाँ पे सेट नहीं हो रहा। अच्छा ये बस एक ही पिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं चार्जर के लिए, हाँ ये भी पिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइट हो गया। ये दो पिन जो है, जैसे हम लोग छोटा वाला प्लग यूज कर सकते हैं, इसका जो ये वाला प्लग है, ये छोटा वाला प्लग है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं इसे प्लग इन करने के लिए। मुझे पता नहीं कि आप ऐसे चीप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं कि नहीं, बट अगर यूज़ करते हैं तो ये सब में उतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता। आप थोड़ा चेक करके देख लीजिएगा, उसके बाद फेंकिएगा, फेंकिए मत, सब्सक्राइब वालों को दीजिए, ठीक है। ओके फिर चलते हैं इस वीडियो के लिए, बस नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।